बेकाबू जानवर किस हद तक तबाही मचा सकते हैं, ये बात आप सभी बखूबी जानते हो। और दोस्तों, हम इनके वाक्य दिखाने के लिए समय समय पर सीरीज का नया पार्ट लाते रहते हैं, और आज हम फिर एक और नया पार्ट लाए हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अब जरा सबसे पहले आप इस कमाल के वीडियो को देखिए, जहाँ पर ये लड़का अपने मुंह में खाना पकड़ के ऊपर उड़ते हुए सीगल को खाना खिलाने के लिए उन्हें इशारा करता है, पर वो सीगल इसके मुंह से खाना खाने के बजाय उल्टा इसके मुंह पर ही हल्का हो लेते हैं, जिसके बाद बेचारे के साथ कुछ ऐसा होता है। अब जो भी हो, भगवान से हम यही दुआ करेंगे कि किसी की भी किस्मत इतनी बुरी तो न हो। अगले वीडियो में जू में बंद ये चिंपांजी गुस्से में आकर किसी चीज को उठाकर बाहर की ओर फेंक देता है, जो कि सीधा जाकर एक बच्चे को लगती है, और उस चीज की वजह से वो बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है। हालांकि वो चीज इतनी भारी और खतरनाक नहीं थी, जिसकी वजह से उस बच्चे को चोट नहीं आती है। अगले वीडियो में ये शख्स जाती हुई इस लिजार्ड को उंगली करता है, और इसके बाद ये लिजार्ड इसके साथ कुछ ऐसा करती है। यहाँ पर ये लड़का इस बंदर को कुछ खाने के लिए बिस्किट देता है, जिसके बाद ये बंदर खुशी खुशी उन बिस्किट को ले लेता है। लेकिन जब ये बिस्किट खाने लगता है तो ये लड़का उस बंदर को छूने का प्रयास करता है, और इसी वजह से इस बंदर को गुस्सा आ जाता है, और फिर इसके बाद ये बंदर कुछ ऐसा करता है, जिसके वजह से ये दोनों लड़के यहाँ से तुरंत ही भाग निकलते हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों के बीच में ये बिल्ली चूहे को पकड़ने में लगी है, और इसी दौरान एक आदमी के ऊपर ये चूहा चढ़ने की कोशिश करता है, और इसी वजह से वो इसे अपने पैर से फेंक देता है, जो कि सीधा जाकर एक दूसरे वाले लड़के के मुंह पर लगता है। दोस्तों, जब सांडों के बीच में लड़ाई होती है तो इनकी लड़ाई वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये जब लड़ते हैं तो ये रोके नहीं रुकते हैं। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख लीजिए, जहाँ पर ये दोनों सांड लड़ते लड़ते इस सोप के अंदर पहुंच गए हैं, और सोप के अंदर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब भाई जरा इस धांसू एंट्री को भी देख लीजिए, जहाँ पर भालू मां से सीधा गेट को तोड़कर ही अंदर घुस जाते हैं, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। अगले वीडियो में ये आदमी इस गाय से बचने के लिए इस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा है, और नीचे खड़ी वो गाय इसके नीचे उतरने का इंतजार कर रही है। ये गाय काफी देर से जैसे मानो इसे कह रही है कि एक बार नीचे आ, फिर तुझे बताऊंगी। लेकिन ये आदमी भी इस गाय के इरादे बखूबी जानता है, और इसी वजह से ये यहीं पर चिपका बैठा रहता है। ये दोनों कुत्ते इस सांप को काफी देर से घेर कर इसके ऊपर भौंक रहे होते हैं, और इसी दौरान मौका पाकर ये सांप को उठाकर कैमरामैन पर फेंक देते हैं, और इस दौरान यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी मौजूद होता है। लेकिन गनीमत की बात ये रहती है कि वो सांप उस बच्चे के ऊपर जाकर नहीं गिरता है। अब भाई, ये बंदर इस छत से कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है, ये बात तो यही जानता है, लेकिन ये एक एक करके सारी छत को बिखेरते जा रहा है। ये आदमी सड़क के रास्ते से होकर जा रहा होता है, पर तभी बीच रास्ते में इसे दो भेड़ दिखाई देती है, जिसके बाद ये रुक जाता है। लेकिन जब वो भेड़ इसकी ओर आने लगती है तो ये तेजी से यहाँ से भाग निकलता है, हालांकि वो भेड़े भी इसके पीछे पीछे दौड़ लगाने लगती है। अब आगे वीडियो में क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो, इस आदमी की पैंट गीली होते हुए साफ दिखाई देती है। ये
यहाँ पर ये घोड़ों की टोली तेजी से दौड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन कुछ देर बाद में सारी की सारी पोल खुल जाती है क्योंकि असल में इनके पीछे एक ग्रिजली बियर पड़ा था जो कि काफी देर से इनके पीछे दौड़ रहा था और इसी वजह से ये अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ रहे हैं। अगले वीडियो में एक बाइक वाला इस टाइगर के हमले से बाल बाल बचता है, लेकिन ये जीप वाले टाइगर का गुस्सा देखकर रुक जाते हैं और धीरे धीरे करके अपनी जीप को पीछे के अंदर लेने लगते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाओगे कि असल में जीप में बैठे लोग कितनी बुरी तरह डरे हुए हैं, जरा आप एक बार देखिए। ये आदमी इस कछुए को पानी पिलाने लगता है, जिसकी वजह से शुरुआत में तो ये कछुआ खुश होकर पानी पीता है, लेकिन जब ये आदमी इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही पानी फेंकने लगता है तो इसको भी गुस्सा आ जाता है और फिर ये सीधा इसके ऊपर हमला बोल देता है। यह रकून पानी के किनारे घूम रहा होता है, पर तभी इसकी ओर तेजी से एक मगरमच्छ आता है जिसे यह रकून देख भी लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह उसे इग्नोर करता है और इसी वजह से फिर क्या था, वो मगरमच्छ तेजी से इसके ऊपर हमला करके मात्र एक ही सेकंड में इसको अपने शिकंजे में ले लेता है और अपना खाना बना लेता है। दोस्तों इस वर्कर की भी आज किस्मत काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से तेजी से दौड़कर इस ट्रक के ऊपर चढ़ गया, और किस्मत इससे ज्यादा और भी अच्छी थी क्योंकि ये भालू इस ट्रक के ऊपर नहीं चढ़ा, वरना ये चढ़कर भी इसका काम तमाम कर सकता था। दोस्तों बंदरों से पंगा क्यों नहीं लेना चाहिए, वो तो आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं, जहाँ पर ये बंदर किस तरह शख्स को दौड़ा रहे हैं और कुछ देर बाद में तो बंदरों की टोली से चारों ओर से घेर लेती है और बेचारे को चारों ओर दौड़ाने लगती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट करना।